हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू राज की रेसिपीज। आज हम बनाएंगे मद्रास ऑनियन सांबार। देखते हैं इसे कैसे बनाया जाए। पहले एक कोकोनट ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन हमने चढ़ा दिया है गैस पे, उसमें अभी डालेंगे साबुत धनिया, चना दाल, मेथी का दाना, काली मिर्च, रेड चिल्ली, इसे हल्का सा पहले लाल करके लेते हैं। हल्का सा लाल हो गया है, अब इसमें डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट। इसे भी स्पाइसेस के साथ भून लेते हैं 2-3 मिनट। दो तीन मिनट से हमने कोकोनट को भून लिया है, अब गैस बंद करके इसे ठंडा होने देते हैं। सांभर बनाने के लिए हमें इमली की पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने लेमन साइज इमली को इस तरह गर्म पानी में भिगो के रखा है आधा घंटा से। अभी इसे इस तरह निचोड़ कर इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। एक पैन हमने चढ़ा दिया है, उसमें हमने डाला है 2 चम्मच घी। आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से सांभर में बढ़िया स्वाद आता है। अब घी गर्म हो गया है, उसमें डालेंगे सांभर का ऑनियन, आधा चम्मच नमक डालते हैं और प्याज जो है सुनहरा होने तक इसे हम भून के लेते हैं। जब तक ऑनियन हमारा फ्राई हो रहा है, हम मसाला को पानी डालकर पीस लेते हैं। इस तरह हमने पेस्ट करके लिया है। ऑनियन हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, अब इसमें हम डालेंगे इमली का पानी। आधा चम्मच हल्दी, कुछ कड़ी पत्ते, स्वाद अनुसार नमक। हमने पहले भी प्याज भूनते समय थोड़ा सा नमक डाला था, तो उसके हिसाब से आप अभी नमक मिलाएं। एक बार मिला लें। इमली का कच्चापन निकलना चाहिए, तब तक हम इसे बॉईल करेंगे। एक बॉईल आ चुका है, टाइम टू ऐड हींग। इमली का कच्चापन निकल गया है, अब इसमें डालेंगे कटी हुई टमाटर। एक बार अच्छी तरह मिला लेते हैं और टमेटोस सॉफ्ट होने तक इसे बॉईल करके लेते हैं। यहाँ पे 2 कप तुअर दाल को हमने बॉईल करके लिया है, इसमें अब हम मिलाएंगे ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसको। ग्रेवी को अच्छी तरह मिक्स करके लेते हैं। टमेटोस हमारा सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें डालेंगे ये दाल और ग्रेवी का मिश्रण जो हमने बनाया था उसे। गिव इट अ गुड मिक्स। थोड़ा हम पानी मिलाएंगे,
ग्रेवी के हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी मिलाने के बाद एक बार आप नमक चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं। नमक डालने के बाद एक बार मिला लीजिए और इसे अच्छी तरह बॉईल होने देते हैं। अच्छी तरह बॉईल आ गया है। इस स्टेज पे हम कोरिएंडर लीफ डालकर गार्निश करते हैं। सांबार इज डन। गैस बंद करते हैं। सिर्फ अभी इसमें तड़का लगाना बाकी है। तड़का लगाने के लिए घी गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड चटकने के बाद गैस बंद करते हैं और उसमें डालेंगे कुछ करी लीफ। अब सांबार इज डन। अभी इसे हम डिश आउट करते हैं। मज़ेदार ऑनियन सांबार को आप इस तरह चावल में डालकर इसका मजा लें। फ्रेंड्स, अगले बार मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।